एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं रिव्यू करने वाली हूँ 15 फेस वॉशेस के बारे में। ओके, सो ये फेस वॉशेस वो हैं जो मैं यूज कर चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, पूरी बोतल में यूज कर चुकी हूँ। मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उनका मिनी रिव्यू आपको दे रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको कौन सा फेस वॉश लेना चाहिए और कौन सा फेस वॉश नहीं लेना चाहिए। सो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट फेस वॉश है वो है VLCC का नीम फेस वॉश विद टी ट्री। ओके, सो दिस फेस वॉश इज वेरी नाइस। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं इसको डेफिनेटली रीपर्चेज जरूर करूंगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा फेस वॉश है। अगर आप एक्ने, पिंपल्स, फेस पर किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके एक्ने को कम करता है, पिंपल को कम करता है, के रिसेंट पिंपल की वजह से जो छोटे छोटे रिसेंट स्पॉट्स हो जाते हैं उनको क्लीन करने में बहुत ही ज्यादा ही आपकी हेल्प करता है। आपके फेस को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से ऑल स्किन टाइप वाले इसके साथ जा सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश है, बहुत अफोर्डेबल है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। आई जस्ट लव इट, आई यूज इट अगेन एंड अगेन और रीपर्चेज इट अगेन एंड अगेन। ये है अल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस वॉश। तो ये फेस वॉश है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक्टिव इंग्रेडिएंट नाइसिनामाइड है, बहुत अच्छे से फेस के ऊपर वर्क करता है। एक्ने को स्मूथ करने से लेकर, स्किन को स्मूथ करने से लेकर, स्किन कॉम्बिनेशन को एनहांस करने से लेकर हर चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपके जो रिसेंट पिंपल्स के स्पॉट होते हैं उनको कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस वॉश। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। चारकोल फेस वॉशेस के हिसाब से इसकी प्राइस कंपेयर करें तो ये उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट ये उतना अच्छा डीप क्लीनिंग करने में वर्क नहीं करता है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नेचर असेंस का नीम फेस वॉश। सो ये जो फेस वॉश है वो भी बहुत ज्यादा माइल्ड फेस वॉश है, गर्ल्स बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए ये जाएगा, पिंपल को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीवियर एक्ने होंगे तो ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बट डेफिनेटली अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करने में ये आपकी हेल्प करेगा। नीम भी है इसमें और एलोवेरा भी है, जो दोनों ही पिंपल्स और एक्ने को स्मूथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इन अफोर्डेबल कैटेगरी में ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जॉय का पल फेस वॉश। सो सेम दिस फेस वॉश इज ऑल्सो वेरी गुड, स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है, बहुत माइल्ड है, स्किन को अच्छे से क्लीन भी करता है। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग ड्राई के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू ऑयली। ऑयली के लिए ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट ड्राई के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ड्राई स्किन वाले एक बार इसको चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का रोजे फेस वॉश। सो ये फेस वॉश उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, करने पर मुझे सोप के जैसा फील होता है और मेरे अकॉर्डिंग ये ड्राई स्किन वाले के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर इन केस वो ट्राई करना चाहते हैं तो, अदर मैं इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का एवोकाडो फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है वो ठीक वर्क करता है, स्किन टाइप के लिए ये जा सकता है, बट मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं करा। मुझे सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम इसने क्रिएट करी। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाएंगे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने ये चीज़ बोली है कि यस ये वर्क नहीं करता है। हर स्किन टाइप पे यूज करने के बाद ही मैं आपको रिव्यू बताती हूँ, तो ये अच्छा नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है VLCC का हल्दी एंड तुलसी फेस वॉश। ओ माई गॉड, दिस फेस वॉश इज रियली वेरी नाइस। सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है। एंड तुलसी हल्दी वर्क्स लाइक मैजिकल फॉर योर फेस। फेस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होगी वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ही वर्क करेगा। बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई जरूर करें। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का ऑलिव फेस वॉश। सो जो ऑलिव जो होता है वो आपके फेस से बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, तो ये पिंपल्स दोनों के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं। मैं उसको इतना ज्यादा रिकमेंड आपको नहीं करती हूँ। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अल्प्स गुडनेस का ग्रीन एप्पल फेस वॉश। सो ये फेस वॉश बहुत ज्यादा माइल्ड है, ठीक वर्क करता है, इसका वर्क ज्यादा खास कुछ पसंद नहीं आया। डेफिनेटली फेस को क्लीन करने से लेकर आपके पिंपल्स को कम करने तक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये फेस वॉश। अफोर्डेबल की कैटेगरी में इसको ट्राई कर सकते हैं, अदर ठीक है, ज्यादा खास मुझे नहीं लगा।
और जो नेक्स्ट एंड लास्ट फेस वॉश है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, निविया का मिल्क डिलाइट ग्राम फ्लोर फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। निविया की मिल्क डिलाइट की पूरी रेंज इज माय फेवरेट। पूरी रेंज का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दिस रेंज इज वेरी गुड, यू विल लव इट, स्पेशली फॉर ऑयली नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और ड्राई स्किन वाले इसको समर्स में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, स्किन को एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग भी लगी हो और हेल्पफुल भी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आप इन फेस वॉश में से कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपका फेवरेट फेस वॉश कौन सा है उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनमें से नहीं अदर कोई है जो आपका फेवरेट है उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट एंड नोटिफिकेशन।